ब्लॉग बाजार के इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हे मेरी YouTube की फैमिली, आई होप यू आर डूइंग वेल और आप देख रहे हैं ब्लॉग बाजार की एक और फ्रेश वीडियो। सो गाइस, आप लोगों का बहुत ही अंधा प्यार मिला है हमारे प्रीवियस वीडियो पे। संजीव जी हमारे साथ फिर से हैं और बहुत सपोर्ट रहा है संजीव जी का भी। बहुत प्यार दिया आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को, जो कि स्पेशली हम लोगों ने एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम पे बनाया था। रिक्वेस्ट है गाइस, जो भी वीडियो देखता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप लोग का सपोर्ट और प्यार हमें ऐसे ही मिलते रहे। सो अब जो है फाइनली हम आ चुके हैं क्लोटोए के ऑफिस पे संजीव जी के साथ एक नई वीडियो के लिए और बहुत कमाल का प्रोडक्ट लेके आए हैं। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत यूनिक चीज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइज, जो प्रोडक्ट की मैं आपसे बात कर रहा था, जो कि क्लोटोए की तरफ से एक्सक्लूसिव आया है, विच इज दिस वन, और आप देख सकते हो कि क्या यूनिक प्रोडक्ट है। शायद आपको देखने में ये अभी नॉर्मल लग रहा है, बट मैं इसका एक फंक्शन आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये क्या यूनिक प्रोडक्ट है। और ये उनके लिए बहुत ही बेटर प्रोडक्ट है जो कि सिंगल डिन में सोच रहे हैं कि हमें एक मतलब टच स्क्रीन वाला इन्वायरमेंट मिले, हमें एक बेसिक गाड़ी में भी एक ऐसा फील आए कि हम एक बहुत प्रीमियम गाड़ी के अंदर बैठे हैं जिसमें कि एक अच्छा सा म्यूज़िक सिस्टम हमारा लगा हुआ है। सो जो कि अभी तक मार्केट में आपने कभी देखा भी नहीं होगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका बटन, इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आप ये देख सकते हो गाइस, ये आपका है सिंगल डिन का एंड्रॉयड म्यूज़िक प्लेयर। और अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो सेम एज इट इज़ आपका स्क्रीन जो है वो बाहर आ जाती है। 7 इंच की स्क्रीन है ये और बहुत अल्टीमेट और यूनिक प्रोडक्ट है। सो बात करते हैं पूरी डिटेल के साथ इस प्रोडक्ट के बारे में, और संजीव जी हमारे साथ हो। संजीव जी, बताएं कि किस तरीके का प्रोडक्ट है और क्या अभी तक ये प्रोडक्ट में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? ये स्लाइडिंग है, सिंगल डिन स्लाइडिंग है। ये उस गाड़ियों के लिए है जिस गाड़ी में सिर्फ सिंगल डिन का ऑप्शन है। जैसे कुछ कार्स का मैं बात करूँ, जैसे फिएट लीनिया, उसमें क्या है आप डबल डिन नहीं डाल सकते, सिर्फ सिंगल डिन ऑप्शन होता है। ठीक है। और अगर चलते हैं सेंट्रोजिंग की बात करें, सेंट्रोजिंग इंडिका V2, इंडिका की जो कार्स है पुरानी कार्स, उसमें सिर्फ सिंगल डिन ऑप्शन है। तो वैसे कार्स में क्या होता है आप डबल डिन नहीं लगा सकते क्योंकि एसी का वहाँ पे वेंटिलाइजर होता है, उसके बाद बटन्स आता है। तो फिर उस केस में कई लोग एंड्रॉइड डिमांड करते हैं कि एंड्रॉइड चाहिए, लेकिन उनके पास में ऑप्शंस नहीं होता, आज तक ऑप्शंस नहीं था जनरली। और कुछ ये एक लॉट हम लोग फिर पहले भी इम्पोर्ट किए हैं जो मीडियाटेक प्रोसेसर में था, MTK में था, जो हम लोगों ने मार्केट में बेचा है। ठीक है। तो कहीं कहीं अवेलेबल था मार्केट में, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो प्रोडक्ट मैं अभी दिखा रहा हूँ उनको, वो 232 में है, T3 232 में है, जो फर्स्ट टाइम हमारे पास में इंडिया में है, जो हम लोग लेके आए हैं। जो संजीव जी बोल रहे हैं कि विच इज 232, तो इसका मैं आपको एक चीज, ये देखो आप देख सकते हो, ये है 232, और एक बार मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ, विच इज 2 GB एंड 32 GB रैम के साथ ये आ रहा है, जो कि मार्केट में अभी और किसी के पास अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट जो है हमने क्लोटोए ने ही लॉन्च किया इसको। सो संजीव जी, एक चीज़ बताएं कि काफ़ी लोगों की डिमांड, जो प्रीवियस क्वेरीज मैंने देखी हैं वीडियोस के थ्रू जो आई हैं मेरे पास, कि कई लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास अच्छी गाड़ी, लेट सपोज मराजो है आपके पास, आपका i10 ग्रैंड यूज़ कर रहे हैं, जो बेसिक मॉडल यूज़ करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे को वो डबल डिन के अकॉर्डिंगली क्या है कि वो एक फ्रंट लुक जो है वो बहुत बल्की हो जाता है। सो उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर जो डिमांड करते हैं कि मुझे सिंगल डिन ही चाहिए जी, तो क्या उसके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हर गाड़ी के साथ कॉम्पेटिबल है, यूनिवर्सल है। ठीक है। किसी भी कार में हम डाल सकते हैं, जिनको डबल डिन नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि स्क्रीन से अंदर हो, लाइक नॉर्मल टाइम में हम म्यूजिक सिस्टम जैसा यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, USB भी फ्रंट में है, ऑक्स भी फ्रंट में है, जैसा आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, ऑक्स एंड USB सब कुछ फ्रंट में है। लाइक ये लुक वाइज मेमोरी कार्ड का, GPS नेविगेशन का सारा सिस्टम आगे दिया हुआ। जनरली जब भी हम एंड्रॉइड की बात करते हैं, एंड्रॉइड में ये सारे सिस्टम जो है वो पीछे होता है। ठीक है। लाइक ये फंक्शन पीछे होता है, आप पेन ड्राइव पीछे से डालते हैं, फ्रंट से नहीं डाल पाते हैं। ऑक्स के लिए प्रॉपर ऑक्स नहीं होता, वहाँ RC कनेक्टर के थ्रू हम ऑक्स बनाते हैं। करेक्ट। लेकिन इसमें क्या है, सारी वो सारे फंक्शंस आगे दिए हुए हैं। ये USB का है जहाँ हम पेन ड्राइव डाल सकते हैं, और ये ऑक्स का है, फिर मेमोरी कार्ड का, GPS नेविगेशन का, और सामने से ये सिंगल डिन जैसा दिखता है। और इसके अंदर में स्क्रीन होता है, जैसे मैं दिखा सकता हूँ आपको, आप देखिए
ये अंदर अंदर चला गया। ये इसका बहुत ही स्ट्रांग मैकेनिज्म है, कई लोग इससे परेशान होते हैं, उनको लगता है कि ये खराब हो जाएगा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट मेरे पास में है, जो प्रोडक्ट मैं 232 में दिखा रहा हूँ T3 में, ये खराब नहीं हो सकता। इसका वेट लगभग मुझे लगता है कम से कम 1.5 kg इसका वेट है, ठीक है। और जो लोडर है ये कंप्लीट स्टील का है, लोहे का है, मैं दिखा दूँ आपको, कहीं भी प्लास्टिक नहीं है, ये सब लोहे का प्लेट है, स्टील प्लेट है, और लोडर भी काफ़ी स्ट्रांगली बना हुआ है, तो ये खराब होने का कोई चांस नहीं है। इन केस अगर खराब होती भी है तो हम लोग, हमारे पास में ये सारे पार्ट्स अवेलेबल है, तो हम लोग रिपेयर कर सकते हैं इसको। जनरली खराब होने का कोई चांस नहीं है इस चीज़ का। और ये MTK MediaTek प्रोसेसर में अवेलेबल है, जो 1GB 16GB में आता है, ठीक है। जो हमारे पास में जो मैं अभी दिखा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, ये 232 है T3, ठीक है। और इसमें PX6 नहीं है, अवेलेबल नहीं है मार्केट में, 232 ही लास्ट है जो T3 में है। और आई थिंक 2GB जो है वो मोर देन एनफ है हर गाड़ी के लिए। इसका हम लोगों ने UI भी बहुत अलग रखा है, और आप UI देख सकते हो, जनरली जो हमने आज तक पिछले वीडियो में दिखाया वो UI डिफरेंट था। इस सिर्फ इस प्लेयर के लिए हम लोगों ने UI भी डिफरेंट रखा, ठीक है। ये सेम प्लेयर का UI हम लोग PX6 में, हमारे PX6 सिस्टम में हमने रखा है, करेक्ट, क्योंकि वो भी एडवांस है और ये भी एडवांस है, ठीक है। और बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है हमारा, सबसे रनिंग प्रोडक्ट है ये। और मैं संजीव जी आपको बोलूंगा प्लीज एक बार इसका रिस्पॉन्स जरूर दिखाएं कि किस तरीके से ये 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 कैपेसिटिव टच में है, ठीक है। और पहले के टाइम में टच जो होता था सेंसिटिव होता था, काफी रिस्पॉन्सिव टच है ये अभी तो। इसमें ऐप्स नहीं आई थिंक, इसलिए वो स्लाइड हो रहा है। हाँ हाँ, एप्लीकेशंस नहीं है, आप यहाँ से इसके वाईफाई में जा सकते हैं, वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेहतरीन है कि सिंगल डिन में ये लग सकता है। इसका UI हमने PX6 का रखा है, तो सारी फंक्शन है। और रही बात आप जब प्रोसेसर और रैम रोम की बात करते हैं, तो हम लोग N22 से, और या फिर आप MT, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, CPU-GG सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हम चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर में क्या प्रोसेसर और रैम रोम कॉन्फ़िगरेशन है, वो माइट भी हम सेटिंग्स में जाके भी हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें एकदम जेन्यून लिखा हुआ है, कई सिस्टम में मार्केट में जेन्यून नहीं होता, बिल्कुल भी जेन्यून नहीं होता, तो ये प्रॉपर जेन्यून है। एंड्रॉइड 7.1.1 दिखाता हूं आपको, 7.1.1 आपका एंड्रॉइड वर्जन है, व्हिच इज क्वाड कोर, आपका ऑल विनर 30